गुड मॉर्निंग, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने रेडियो स्टेशन देशभगत रेडियो पर और आपके अपने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर दीपक आचार्य एक बार फिर से हमारे बीच में मौजूद हैं। सर से हम बात कर रहे हैं शनिदेव के बारे में। सर आप हमें ये बताएं कितने देर से हम बात कर रहे हैं। आपने बताया कि शनिदेव परिश्रम बहुत करवाते हैं, सिंसियर बनाते हैं, तो सिंसियर जब बनाते हैं सबको तो समान फल क्यों नहीं देते? बड़ा ही गहन, बड़ा ही गूढ़ आपने सवाल पूछा। शायद आप इस चीज़ को समझ गए हैं कि शनि सिंसियरिटी देता है और इसको गूढ़ता में नहीं लेके जाता। देखिए इसको ना बहुत छोटे से एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग कि मान लीजिए बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही है और आपने उसमें से छोटा सा एक लोटा रख दिया या बाल्टी रख दी जिसमें पानी भर दिया जाएगा। ठीक है, आकाश जब बरस रहा है तो वो कोई भेदभाव नहीं करेगा कि सिर्फ उसी लोटे में पानी भरूं या बाल्टी में ज्यादा भरूं या उसमें। आप में जितनी सक्षमता होगी उतना आप खुद को तराश लेंगे। आपका सवाल था शनि सबको सिंसियर क्यों नहीं बनाता और इक्वालिटी क्यों नहीं क्रिएट करता, सिंसियर होके भी इक्वालिटी क्यों नहीं देता, यही सवाल था ना आपका। ये दोनों ही बातें गलत है। शनि ना तो सिंसियरिटी देता है ना इक्वालिटी देता है। शनि आपको सिंसियरिटी कभी भी नहीं देगा प्रॉपर जब तक आप नहीं चाहते। शनि परीक्षण कराएगा, शनि आत्मचिंतन करवाएगा, शनि आपसे आपकी गलतियों को अवगत करवा देगा आपसे, तो वो इक्वालिटी देगा। अब आप में जितनी सक्षमता होगी, आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना प्रयास करेंगे, आप उतनी ऊपर जा पाएंगे। कर्म के माध्यम से फल मिलना है, वो फल की इच्छा शनि पूरी करता है। आप क्या चाह रहे हैं? ओके जी, अच्छे कर्म करें, अपने विचार नेक रखें, सफलता जरूर मिलेगी। फिलहाल आपका कोई सवाल है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर दीपक आचार्य जी से तो आप इनसे जुड़ सकते हैं। इनकी एप्लीकेशंस भी हैं, आप चाहें तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं, सेव एस्ट्रो चैनल, सेव एस्ट्रो ग्रुप और सेव एस्ट्रो वेब के नाम से। इनका फोन नंबर भी है।